हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ हार्ट शेप चॉकलेट केक की रेसिपी, जो मैंने इजी तरीके से घर पे बनाया है। ये मैंने इस केक को बनाया है ओवन पर। अब चाहे तो इस केक को प्रेशर कुकर पे भी बना सकते हो। तो चलो इस रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया मैदा। हमने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया। आपको दिखा देती हूँ, इस कप के मेजरमेंट से हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया। तो अब हम इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया और 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो चलो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब एक दूसरे बाउल में हमको चीनी ले लेना है। ये हमने चीनी को पाउडर कर लिया। अब चाहे तो मार्केट से पाउडर शुगर भी ले सकते हो। देखिए, हमने इस कप के मेजरमेंट से 1.5 कप चीनी लिया यहाँ पे। सेम कप से इस्तेमाल किया। अब उसी कप से हमने यहाँ पे 1 कप दूध और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब चाहे तो ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे विस्कर से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 अंडे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसी तरीके से अच्छे से इसको मिला लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 120 ml सनफ्लावर ऑयल ऐड किया हमने यहाँ पे। अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको बटर यूज करना है तो आप 100 ग्राम बटर इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब इसको हमने अच्छे से मिला लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे वेनिला एसेंस। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड किया। अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसी तरीके से अब इसमें हम ऐड कर देंगे फिर से हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो हमने मैदा के मिक्स करके रखा था मैदा को अच्छे से, उसको हम ऐड कर देंगे। धीरे धीरे ऐड करना है। तो हमको इस केक को चॉकलेट केक बनाना है। हमने यहाँ पे 2 कप लिया मैदा, तो इसमें हम चॉकलेट केक पाउडर जो है कोको पाउडर वो मैं ऐड करूँगी। 2 टीस्पून
हमको यहाँ पे 2 कप मैदे पे 2 चम्मच कोकोआ पाउडर ऐड करना है। देख सकते हो ये मैंने कोकोआ पाउडर ले लिया। इस तरीके से हमको हमने यहाँ पे टोटल 2 चम्मच ले लिया। तो अब इसको हम कोको पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब चाहे तो ये जो कोको पाउडर है इसको आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ भी मिक्स कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल किया। अब इसको हम एक हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड करेंगे हमारा केक का कलर और भी ज़्यादा अच्छे दिखने के लिए। आप ये इस्तेमाल कर सकते हो या फिर नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देख सकते हो ये है हमारा केक की बैटर जो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको हम एक साइड कर देंगे। अब ले लेंगे हम यहाँ पे एक केक मोल्ड, हार्ट शेप के केक मोल्ड हमको यहाँ पे लेना है। अब इसमें हम ऑयल को ब्रश कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड करेंगे ताकि हमारा केक जब कुक हो जाए उसको हम आसानी से इसके अंदर से बाहर निकाल सके, इसलिए हमने यहाँ पे कोको पाउडर ऐड करना है। अच्छे से डस्ट कर लेंगे। एक्सेस अगर हो तो बाहर निकाल सकते हो। देखिए हमने यहाँ पे और एक हार्ट शेप की मोल्ड भी लिया। 2 हार्ट शेप के केक हमको यहाँ पे बनाना है। तो चलो इस बैटर को इसमें थोड़ा पोर कर देते हैं। बाकी के बैटर मैं दूसरा मोल्ड पे डाल दूँगी। देखिए इस तरह से हमको टैप कर लेना है, इसके अंदर के जितने सारे बबल हो वो बाहर आ जाए आसानी से। तो अब हम हमारे जो ओवन है उसको हम प्रीहीट करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा केक ऑलमोस्ट बन चुका है। अब इसको हम चेक कर लेंगे थोड़ा। देखिए कहीं से भी ये चिपक नहीं रहा है, इसके अंदर पक चुका है केक, अच्छे से पक चुका है। तो इसके टाइमर जो हमने लगाया है उस टाइमर तक हम वेट कर लेते हैं। देखिए हमारा केक बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। हमारे बेकिंग ट्रे को हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया है। आप देख सकते हो ये है हमारा केक बनके जो बिल्कुल रेडी हो चुका है।
काफ़ी गर्म है, थोड़ा सावधानी परखना है। तो चलो अब इस केक को हम मोल्ड के बाहर निकाल लेंगे। कुछ समय के बाद, थोड़ा टेम्परेचर पे आने के बाद इसको हम बाहर निकालेंगे। देखिए ये केक हमारा बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। अब चाहे तो ऐसे ही खा सकते हो। हमको यहाँ पे इस केक को डेकोरेट करना है। इसी तरीके से अब इजीली केक घर पे बना सकते हो। अब इसको हम इस केक को कट कर लेंगे इस केक को डेकोरेट करने के लिए। अब चाहे तो हम इस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमने और एक केक बनाया है, उसकी भी रेसिपी के लिंक मैं शेयर कर दूंगी। कैसे आप घर पे इजी तरीके से क्रीम वाले केक घर पे डेकोरेट कर सकते हो, उसकी रेसिपी। चलो ये मैंने केक के ऊपर अच्छे से क्रीम को लगवा कर इस केक को बना लेंगे। इसी तरीके से पूरे केक को हमको अच्छे से डेकोरेट कर लेना है। अब इजी तरीके से ऐसे ही घर पे, आपके घर पे कोई भी पार्टी हो, यानी बर्थडे पार्टी हो या फिर एनिवर्सरी हो या फिर मदर्स डे हो, आप इजी तरीके से ये घर पे बना सकते हो। मैंने अपना यूट्यूब चैनल पर आगे भी एक क्रीम वाले केक की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अब चाहे तो वो रेसिपी आप मेरे इस केक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं ये रेसिपी शेयर कर दूँगी, प्रेशर कुकर पे बने हुए केक की रेसिपी। तो चलो फ्रेंड, इसी तरीके से सारा केक को हम अच्छे से कवर कर देंगे। देख सकते हो ये हमारा केक पूरे क्रीम से कवर हो चुका है। तो इसको एक्साइट कर देंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिंग ले लिया, चॉकलेट चिप्स ले लिया, और हमने यहाँ पे कुछ अपने में खुद बनाया एक चॉकलेट को। इस
चॉकलेट को भी मैं इस केक के ऊपर टॉपिंग करने वाली हूँ, वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट के कॉम्बिनेशन पर। ये मुझे इस केक को डेकोरेट करना है। और कुछ यहाँ पे हमने क्रीम को इसके ऊपर डेकोरेट करना है। ये हमने थोड़ा चॉकलेट को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो चलो इस चॉकलेट को पहले लगवा देती हूँ इसके साइड पे, पूरी साइड पर हमको कवर कर देना है धीरे धीरे इसी तरीके से। इसी तरीके से हमको पूरे केक के साइड पर अच्छे से कवर कर देना है। जो एक्सेस हमारा यहाँ पे केक के नीचे जो गिरा हुआ है इसको हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। पहले साइड को अच्छे से कवर कर लेना, फिर हम एक्सेस जो हमारा चॉकलेट है उसको हम बाद में निकालेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हो कैसे आसानी से निकल रहा है। इतनी बारीकी से कोई भी आपको नहीं सिखाता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एक करके सारे चीज़ें बता रही हूँ हमारी रेसिपी में। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे डेकोरेट कर लेना है। अब देखो ये हमारा जो क्रीम हमने एक पाइपिंग बैग के अंदर डाला था, स्टार नोजल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। इस तरीके से इसके ऊपर जस्ट सारी क्रीम को हम इसी तरीके से ऐड करते जाएंगे। हमने इस क्रीम को ऐसे ही रख दिया था कट करके, इसलिए इसके थोड़ा दिक्कत हो रहा है। फ्रिज के अंदर आपको अगर रखना हो तो आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर पर रख सकते हो।
अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके हमारा जो चॉकलेट चिप्स है उसको हम ऐड कर देंगे। अब देख सकते हो ये है गया हमारा केक। अब इस चॉकलेट को हमने इस तरीके से इसके ऊपर डाल दिया। अगर आपको हमारा इस रेसिपी को अच्छा लगा हो और हमारी वीडियो से कोई भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।